हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं फूडी सिस्टर 3 के आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए एक ऐसी बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं जिसको आप एक बार ही घर में बनाओगे तो कभी भी बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हो। ये है कटहल की बिरयानी। कटहल की बिरयानी हम बाहर से मंगा के खाते हैं लेकिन कभी घर पर ट्राई नहीं करते। इस समर में आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि समर है तो कटहल तो मिलेगा ही। तो चलिए मिलकर बनाते हैं कटहल की बिरयानी। कटहल बिरयानी बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर हमने 700 ग्राम कटहल ले लिया है। हमने इसको अच्छे से इसे बड़े बड़े हिस्से में काट लिया है और इसको धो के साफ करके रख दिया था पहले से ही। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालना। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक को ऐड करना। अब हम इसमें आधा कटोरी जितना अरारूट पाउडर ऐड कर लेंगे। आप चाहो तो अरारूट पाउडर के जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हो। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से मिक्स हो गया है और अरारूट मसाले का कोटिंग कितने अच्छे से कटहल के ऊपर लग गया है। इसको अब 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले से ही कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए बिठा दिया था। तेल अब हमारा गरम हो गया है। कटहल भी मैरिनेट होते होते 10 मिनट हो गए हैं। अब उस कटहल को हम तेल में डीप फ्राई कर लेते हैं। कटहल को डालते वक्त थोड़ा सा केयरफुल होके डालना है, नहीं तो क्या होगा, वो जो तेल का छिटका हाथ में आ जाएगा तो जलने के चांसेस है। तो इस टाइम आप केयरफुल होके थोड़ा सा कटहल को तेल में आराम आराम से डाल देना। कटहल को कढ़ाई में डाल दिया है। कटहल जैसे नीचे से पकने लग जाए तब हम इसको उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको पूरा मतलब फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम तेल से बाहर निकाल देंगे। इस तरह जब ये हो जाए तब हम तेल से इसको बाहर निकाल देंगे। तेल से कटहल को हमने बाहर निकाल दिया है। अब हम दूसरी बारी भी जो कटहल हमारा बचा हुआ है उसको तल के बाहर निकाल देते हैं। आप देख सकते हो सारे कटहल को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर जो तेल बचा हुआ है उसमें हम बारिस्ता बना लेते हैं। यहाँ पर हमने 5 से 6 मीडियम साइज अनियन को ऐसे लंबाई में काट लिया है। अब हम इसे पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है ताकि इसका अच्छा बारिस्ता बनकर रेडी हो जाए। बारिस्ता बनाने के टाइम पहले हम गैस के फ्लेम को हाई रख लेंगे ताकि ये जल्दी से भुनना शुरू हो जाए। फिर जब ये लगभग 70% कुक हो जाए फिर हमें गैस के फ्लेम को लो कर देना है। ये आप देख सकते हो ये ऑलरेडी 70% कुक हो गया है, इसी टाइम आप गैस के फ्लेम को लो कर देना। बारिस्ता बनाने के टाइम थोड़ा केयरफुल होकर इसको बनाना पड़ता है, नहीं तो प्याज जलने के चांसेस बहुत हैं। ये हमारा बारिस्ता बनकर एकदम रेडी हो गया है। हमने इसको टिश्यू पेपर में निकाल दिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में आ जाए। अब हम चावल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है, उसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करा है। अब इसमें ऐड कर लेंगे सारे खड़े मसाले। यहाँ पर हमने तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और जो जायत्री है उसको डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू। नींबू ऐड करने के बाद अब हम इसमें 2 हरी इलायची ऐड करेंगे और पानी को अच्छे से उबलने के लिए बिठा देंगे। यहाँ पर हमने पहले से ही 2 कप चावल को धोकर अच्छे से भिगो के रख दिया था। यह हमारा पानी उबलने लग गया है। अब हम उस चावल को इसमें डाल देते हैं। चावल डालने के बाद हमें चावल को
अच्छे से मिक्स कर लेना है और इससे 60% तक कुक करना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं कुक करना है इसको। यहाँ पर हमने चावल को छान लिया है, यह आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा चावल बनकर रेडी हो गया है। यह आप देखो चावल बस इतना ही कुक होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें चावल को कुक नहीं करना है। चावल हमारा एकदम बनकर रेडी हो गया है, अब हम मसाला बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़ा डीप पैन लिया है, इसमें हम 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर उसको गर्म होने के लिए रख देंगे। ये हमारा ऑयल अब गर्म होने लग गया है, अब हम इसमें सारे खड़े मसाले को डाल देंगे। यहाँ पर हमने सूखी लाल मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च, जीरा और जायत्री को डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। ये आप देख सकते हो हमने कितने अच्छे से सारे खड़े मसाले को भून लिया है। अब इसमें भुना प्याज को डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले से ही अदरक और लहसुन को कूट के रख दिया था। यहाँ पर हमने 1.5 इंच अदरक और 1 बल्ब लहसुन यूज करा है। ये प्याज भी हमारा भुन गया है, अब हम कुटी हुई अदरक और लहसुन को इसमें डालकर अच्छे से इसको भुनेंगे। जब तक लहसुन और अदरक का कच्चा स्मेल नहीं चला जाता तब तक हमें इसको भुनना है। अब हम पाउडर मसाले का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 कटोरी दही लिया है, उसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला डालकर उसको अच्छे से मिला लेते हैं। यह आप देख सकते हो अदरक, लहसुन और प्याज अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें जो पाउडर मसाले का पेस्ट हमने बनाया था दही के साथ, इसको ऐड कर लेंगे। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो दही का कच्चा स्मेल है वो चला जाए और मसाला अच्छे से भून जाए। ये मसाला एकदम अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें 1 टीस्पून बिरयानी पाउडर डाल देंगे। बिरयानी पाउडर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यह आप देख सकते हो हमारा मसाला बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो कटहल को हमने तल के रखा था उसको ऐड कर लेंगे। कटहल को अच्छे से मसाले के साथ हमें मिक्स कर लेना है। यह आप देख सकते हो कितने अच्छे से कटहल और मसाला मिक्स हो गया है। अब हम इसमें लगभग 1/2 कप जितना पानी, गर्म पानी इसमें डालना, ठंडा पानी नहीं, डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कटहल थोड़ा और अच्छे से पक जाए। ये आप देखो कितने अच्छे से कटहल रेडी हो गया है। अब हम इस कटहल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, आधा हम पैन में रखेंगे और आधा हम बाहर निकाल के रख देंगे ताकि हमें जो लेयर हम बिरयानी का बनाएंगे उस टाइम हमें ये ऐड करना है। ये हमने आधा निकाल दिया है अब, और थोड़ा सा हम निकाल देते हैं इसमें से। ये आधा हमने निकाल दिया है और ये जो आधा पैन में है उसको हम ऐसे ही देने देंगे और इसको चारों तरफ ऐसे पैन के नीचे फैला देंगे। अब हम कटहल के ऊपर चावल का लेयर रख देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें चावल को इसके अंदर डालना है और इसका जो उसको चारों तरफ फैला देना है ताकि ये चावल कटहल के ऊपर पूरा कवर हो जाए। इस तरह हमें फैला देना है इसको, और थोड़ा सा हम चावल इसमें डाल देंगे। ये हमने चावल अच्छे से डाल दिया है, अब हम इसके ऊपर जो धनिया और मिंट के लीव्स को हमने काट के रखा था इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और बरिस्ता डाल देंगे। बरिस्ता डालने के बाद अब हम इसके ऊपर जो हमारा कटहल हमने बचा के रखा था आधा, उसको डाल के उसको चारों तरफ फिर से फैला देंगे। इस तरह हमें फैला देना है। अब थोड़ा सा बिरयानी का मसाला इसके ऊपर डाल देंगे, फिर इसके ऊपर हम चावल को कवर कर लेंगे। इस तरह हमें चावल को पूरा कवर कर लेना है। अब हम इसके ऊपर जो कटी हुई धनिया और पुदीना है सारा डाल देते हैं। अब हम इसके ऊपर 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद जो बचा हुआ बरिस्ता है सारा इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1 कटोरी में 1/2 कटोरी दूध लिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, थोड़ी सी सैफ्रन और
थोड़ा सा गुलाब जल 3 से 4 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो हमारा मिक्सचर है, अब हम इसको चावल के ऊपर डाल देंगे। इसमें आधा टीस्पून जितना बिरयानी पाउडर डालकर अब हम इसमें 1 टीस्पून घी डाल देंगे। घी डालने के बाद इसको अच्छे से हमें कवर कर लेना है ताकि ये स्टीम में धीरे धीरे करके अच्छे से कुक हो जाए। इसको लगभग हमें 10 मिनट के लिए इस लो फ्लेम में बिठाना है। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको बिठाएंगे। 10-15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका कवर निकाल देते हैं। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा बिरयानी बन गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह हमें धीरे धीरे इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये नीचे से और ऊपर से अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हो कितना अच्छा बिरयानी बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कटहल बिरयानी की ये रेसिपी आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड ऑलवेज़।